फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड ऑफिस पर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का मटका फोड़ प्रदर्शन। देवली विधानसभा की सैकड़ों महिलाओं ने सर पर मटका लेकर और हाथों में तख्तियां लेकर ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड ऑफिस के बाहर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से वे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं और कभी पानी आता भी है तो उसमें सीवर का पानी मिक्स होता है। ये महिलाएं अपनी समस्या को लेकर देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जरवाल के पास गई तो विधायक की तुम लोगों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रास्ता रोका था, इसलिए तुम्हारे इलाके में पानी नहीं मिलेगा, साथ ही तुम लोग हमें वोट भी नहीं दिए हो इसलिए पानी नहीं मिलेगा, ऐसा आरोप महिलाओं ने कहा है और बोला है कि विधायक ने उनके साथ ऐसा कहा है। चिलचिलाती धूप में, उमस भरी गर्मी में माथे पर मटके लिए और हाथों में पानी की मांग लेकर तख्तियों के लिए ये सैकड़ों महिलाएं देवली विधानसभा की निवासी हैं, जहां केजरीवाल हयाए विधायक हयाए के नारे लगाती हुई जीके जल बोर्ड पर ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, ये हम देवली विधानसभा के अंदर हमारी तीन कॉलोनी है, देवली गांव, दुर्गा विहार और बैंक कॉलोनी। लगातार पानी की परेशानी तो कंटिन्यूसली चली रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी आता था वो भी अब आना बंद हो गया। हम लगातार 4-5 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की सुचारू रूप से सप्लाई चालू हो जाए, लेकिन अभी क्या हुआ, केजरीवाल जी संगम विहार में किसी स्कूल का उद्घाटन करने आए थे तो लोगों में तो रोष है, जिनको पानी नहीं मिल रहा उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया था। और उस दिन के बाद से उसी दिन यहाँ के हमारे देवली के MLA प्रकाश जारवाल ने धमकी दी कि देखता हूँ अब तुम लोगों को पानी कैसे मिलेगा। उस दिन के बाद से आज तक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और उसी के विरोध में लगातार हम लोग ऑफिसों में भी चक्कर काटे और आज उसी का कारण है कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया। सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, हम कोई बता नहीं सकते कितना ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, उस दिन हमारे एरिया में मुख्यमंत्री जी आए थे। हम इस वजह से नहीं गए थे कि हमने घेराव करना, हल्ला करना, हम हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि सर हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, जारवाल साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी जब बोलते आम जगह भाषण देते, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, हम इसी वजह से गए थे कि आम आदमी हमारी सुनेगा। लेकिन उस दिन के बाद जारवाल साहब ने ये बोला कि तुम्हें एक बूंद भी पानी मिलेगा, तुमने मुख्यमंत्री का घेराव करा और तुमने हमें वोट नहीं दिया। तो वोट में किसी का नाम तो लिखा नहीं है सर, वोट अपनी मर्जी से इंसान दे सकता है और उनको क्या पता किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। कुर्सी तो उनके पास है ना, केजरीवाल के पास भी है, जारवाल साहब के पास भी है। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें पानी मिले। आपको इसका सारा जवाब पहले तो महिलाओं से चेहरे देख करके मिल जाएगा, किस तरह हमारी माता बहनें, बच्चे, सारे लोग किस तरह से परेशान हैं कि बिल्कुल पानी बंद कर रखा हमारा और पहले से पानी की समस्याएं हो रही थी। लेकिन 2 अगस्त से मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो उसमें जो मुख्यमंत्री जी की गाड़ियां कुछ महिलाओं ने परेशान होकर के रोक दी थी कि हमें पानी दो, तो उसका खामियाजा हमें भुगतने को ये कहा गया कि हमारा पानी बंद कर दिया गया। और उससे पहले जो परेशान जल बोर्ड कर रहा था, थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता था, हमको एक दिन छोड़ करके पानी दे रहे थे पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे थे यार चलो पूरे क्षेत्र में ऐसे मिल रहा कोई बात नहीं। ये सारी फाइलें जल बोर्ड तक की हमारे पास सभी की रिसीप हैं, ये इसलिए भर रही है जल बोर्ड के आंकड़े मेरे पास है। जल बोर्ड वहाँ पर पानी तो 30-32 MGD पैदा कर रहा है ओखला में, लेकिन हमारी डिमांड यहाँ से दी है इन लोगों ने 7.2, लेकिन जल बोर्ड के वहाँ जो एक्शन है मिस्टर खन्ना, वो कहते हैं कि आपको हम 8.65 MGD पानी सप्लाई रोज़ दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमें एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है।